वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। समय का आभास हम दिन महीना साल के रूप में करते हैं। सूर्य और चंद्रमा समय मापन के महत्वपूर्ण घटक हैं। इन्हीं पर हमारा दिन और रात आश्रित होता है। समय का प्रवाह अविरल, शाश्वत और सार्वकालिक है। अतः समय ही नियति है और सतत चलायमान रहना ही समय की प्रकृति है। बीता समय हमारा अतीत है, चल रहा समय हमारा वर्तमान है और आने वाला समय हमारा भविष्य है। समय बंद मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता जाता है, इसलिए समय की हर घड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समय के साथ परिवर्तन संसार का नियम है। समय कभी खराब नहीं होता, वह सभी के साथ न्याय करता है। समय को खराब बताने वाले अपने दूषित कर्मों से अनभिज्ञ रहते हैं और अपना भी समय आएगा कहने वाले भविष्य की चिंता में वर्तमान के साथ छल करते हैं। समय न तो आता है और न ही आएगा। तारीखों के भरोसे तकदीर नहीं बदलती। कल हमेशा कल ही रहता है, अतः हमारी आस्था आज में होनी चाहिए। आज को जी भर के जीने वाले ही समय की पूर्णतः सदुपयोग कर पाते हैं। बीते कल को याद करने वालों के पास दुख और आने वाले कल को याद करने वालों के पास चिंता के सिवाय कुछ नहीं होता। भूत और भविष्य में जीने वाले ऐसे लोग वर्तमान के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं। नवीनता तारीखों के इशारों पर चलने वाले नववर्ष से अधिक स्वयं में नवीन परिवर्तन लाने में है। स्वयं का बदलाव ही सृष्टि को बदलने का मादा रखता है। ये बदलाव अपनी हानिकारक वृत्तियों को त्यागने एवं लाभकारी प्रवृत्तियों के प्रति उन्मुख होने के अटल संकल्प के साथ ही संभव है। समय के साथ हमें स्वयं को हर पल मांझना चाहिए, क्योंकि स्वयं को मांझने से ही हमारे चरित्र में उज्ज्वलता और निखार आता है। अतः परिवर्तन समय में नहीं, स्वयं में संभव है। स्वयं में परिवर्तन ही बुद्ध और महावीर बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और हमारी समस्त पीड़ाओं को हर कर हमें परम शांति दे सकता है। स्टॉप। अगर डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे डिक्टेशन डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।